अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। हाँ, थोड़े दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआ से अभी मैं ठीक हूँ। अभी आप मेरा फेस देख सकते हैं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी खांसी बिल्कुल कम नहीं हुई अभी, इसलिए आप तो जानते हैं मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तो वॉइस ओवर में खांसी बिल्कुल ठीक नहीं लगती, इसीलिए मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी तबीयत ठीक है, अभी थोड़ा सा अच्छे से अच्छा फील कर रही थी, तो इसीलिए मैं सोची आज आप लोगों के साथ मैं एक नया व्लॉग शेयर करूं, जो है मेरे घर पे जो 11वीं शरीफ मैं करी थी। बस ज़्यादा नहीं, छोटी सी ज़्यादा करी थी 11वीं शरीफ, सिर्फ मासूम बच्चों को खाना खिलाई थी और फातिहा दिलाई थी, तो बस उसी की वीडियो अपलोड कर रही थी। तो चलो सोची शायद आप लोगों से थोड़ा बात भी कर लूँ। तो अभी मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन अभी बच्चों की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। साजिद जो मेरा छोटा बेटा है, उसकी जो स्कूल में थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था उसका, तो वो अभी उसकी आँख ही बिल्कुल सूजी हुई है। अभी वो नहीं है घर पे, वरना मैं आपको मेरे बेटे का वीडियो पर शेयर करती। अभी मेरे बेटे की भी, हुस्ना की भी तबीयत सही नहीं है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि मालूम है एक इंसान जब घर में बीमार होता है तो एक के बाद सबकी बारी आती है। तो अभी अभी थोड़ा सा लो चल रहा घर पर, ये वायरल फ्लू है जो हर घर में चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सब ठीक है आप सबकी दुआ से। तो मैं सोची अभी इतने दिन के बाद वीडियो अपलोड नहीं करी थी, तो सोची नियाज़ शरीफ के साथ साथ मैं अभी नए तरीके से वीडियोस अपलोड करूँगी। तो और आज मेरे घर पे नए मेहमान आए हैं, तो चलो मैं आपको लोगों से भी मिलाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर में हैं अभी नए नए मेहमान आए हैं। ये जो छोटे वाले हैं, आज ही लोगों को घर पे लेके आए। और ये तो आप देख सकते हैं, ये तो मेरे पुराने वाले हैं, मेरे पुराने वाले फिशेस हैं। तो अभी ये नए चार आए हैं मेंबर्स हमारे घर पे। तो माशाल्लाह अभी एक्वेरियम में थोड़ी सी और रौनक आ गई, तो मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करी। तो आप बताना कि मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है मेरी न्यू वीडियोस का। इंशाल्लाह कल से मैं बराबर रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना सा व्लॉग काफ़ी है। तो इंशाल्लाह मैं कल बिल्कुल व्लॉग के साथ, नए व्लॉग के साथ हाज़िर होती हूँ आपके आपके सामने। आपकी के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये देख सकते फ्रेंड्स, मैंने जो नियाज़ करी थी 11वीं शरीफ की, तो उसमें मैं बनाई थी होरमा वगैरह खाना और मीठी बूंदी। और ये सेरा है निशान का, जो झंडा हम लगाते वो है, तो उसका सेहरा है। तो ये सब मैं इतना ही बस अपने गरीबी हैसे से जितना भी हो सका नियाज के लिए मैं करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी रौनक, इतना अच्छा दिखा, इतना माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त मंजर था, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद में फिर ये फातिहा होने के बाद में मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर ली, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी था, तो मैं इसीलिए वीडियो शूट कर ली। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हिस्सा निकालने के बाद 11वीं शरीफ का जो फातिहा का हिस्सा होता है, वो निकालने के बाद फिर मैं वो में सोची कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूं। ये देखिए खुरमा, ये देखिए फ्रेंड्स, अभी बच्चे आ गए थे खाने के लिए, तो मैं अभी इसके ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करी। और ये वालेकुम अस्सलाम, हमजा खाना डालो बेटे, खाना डालो हमजा, खाना डालो। फैस कैसा बना? बराबर है। तो फ्रेंड्स, वो थी कल की जो 11वीं की नियाज़ शरीफ जो मैं करी थी, उसकी वीडियो थी। और छोटी सी क्लिप ली थी, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था और किसी को बुलाई भी नहीं थी। मैं, मेरी जिठानी हमेशा आते, कभी भी मैं फातिहा दिलाई थी, लेकिन इस वक्त ना थोड़ा सा घर का घर में करी थी, तो इसलिए मेरी जिठानी को या किसी को नहीं बुलाई, फिर मैं घर का घर में अपने हिसाब से बना ली थी। तो इसलिए टाइम बिल्कुल नहीं था वीडियो शूट करने का, तो जितना भी मुझसे हो सका मैं वीडियो कैप्चर कर ली। तो जो थे वो जो था मेरा जेठ का छोटा सा बेटा है, छोटा बेटा है,
जो बहुत ज़्यादा क्यूट है और इतना इतना अच्छा उसको वीडियोस में आने का इतना शौक है, तो ना इंशाल्लाह मैं उसके बराबर वीडियो में लाऊंगी, लाके उसका भी एक वीडियो बनाऊंगी। वो बहुत ज़्यादा शौकीन है वीडियोस बनाने का, और इंस्टा पे भी उसका क्या बोलते हैं आईडी है उसकी इंस्टा पे भी, आहत खान करके। तो मैं उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी इंस्टा का, तो आप वहाँ पर जाके उसको फॉलो कर सकते हो। वो छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत ज़्यादा शौकीन है वीडियोज़ बनाने का। तो उसकी जो हम मेरे जेठानी के घर पे जो 11 तारीख को हर वक्त होती, जो मेरे सास का कॉल था कि हर 11वीं की 11 तारीख को वीडियो क्या बोलते 11वीं करने का, वो मेरी जेठानी हमेशा 11 तारीख को ही करते। तो मैं उसका भी जो है छोटा सा क्लिप है वो जो मेरे मैं साइड में लगा दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना कि वो छोटा सा मेरे जेठ का बेटा जो खेल रहा है वहाँ पर पकवान होने के बाद, तो मैं उसका क्लिप लगा दूंगी, तो आप वहाँ से देख लो देख सकते। तो उसको बहुत ज़्यादा शौक है वीडियोस में आने का, तो इंशाल्लाह मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आपके वीडियो आपके नोटिफिकेशन जल्द आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होती हूँ। दुआओं में याद रखना। चलिए आज के लिए अल्लाह हाफिज़।